हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है बरीड अलाइव। इस कहानी की शुरुआत होती है क्लिंट गुडमैन नाम के एक आदमी के साथ, जो सच में एक बहुत अच्छे इंसान है, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, साथ में एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक खूबसूरत घर के मालिक भी है। उसने सिर्फ 5 साल में अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिस मुकाम तक पहुंचाया है वह कई लोग 10 साल में भी कर नहीं पाते। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पता नहीं कि उसकी बीवी जुआना उससे खुश नहीं है, हर बात पे बहस करती रहती है, ऐसे क्लाइंट को जैसे सहन ही नहीं कर पाती वो। एक्चुअली वो खुद न्यूयॉर्क शहर में पली बड़ी है। इस छोटे से शहर में आकर उसका दम घुट रहा था, इस सुकून भरे जिंदगी से तंग आ चुकी थी वो। जबकि क्लाइंट ने दिन रात मेहनत करके इसीलिए इस घर को बनाया था जिससे वो खुश रह सके। शहर के हसल बसल से दूर इस सपनों के शहर में अपना घर बसाना चाहता था वो, मगर जुआना उसके भावनाओं को समझ नहीं पाई, इसीलिए उनका रिश्ता और खराब होने लगा। ऊपर से लगातार 1 साल कोशिश करने के बावजूद वो लोग पेरेंट भी नहीं बन पाए। भले ही इससे क्लाइंट का प्यार कम नहीं हुआ, मगर जुआना विजिबली फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी। वो तो चाहती थी क्लाइंट यह बिजनेस और यह घर दोनों ही बेचकर शहर लौट जाए। उसके राइवल ग्रुप से उसे जो पूरे 1.5 मिलियन डॉलर का ऑफर मिला है उससे उनकी जिंदगी पलट सकती है। मगर क्लाइंट को अपने बर्थ टाउन में ही रहना था, तो वो ये बहस यहीं रोक देता है। इसके बाद जुआना निकल जाती है मेन सिटी की तरफ अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने, और क्लाइंट जाता है अपने एक दोस्त सैम के साथ फिशिंग करने। सैम उसका बचपन का दोस्त है, इसीलिए शायद क्लाइंट को लेकर ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि वो जानता है जुआना और क्लाइंट की बिल्कुल भी नहीं बनती। मगर क्लाइंट हार मानने वालों में से नहीं था, उसे पूरी उम्मीद थी जुआना एक दिन ना एक दिन उसकी बात ज़रूर मान लेगी, जबकि जुआना को देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। हम देखते हैं वो अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। उसका नाम कोर्ट है, शहर में एक डॉक्टर है वो, और इसी के साथ मिलकर जुआना अपने पति को धोखा देने का प्लान बना रही है। असल में कोर्ट ने उसे कहा है कि अगर उसे कहीं से बहुत सारे पैसे मिल जाए तो वो बेवरली हिल्स में अपना नया क्लिनिक खोल लेगा और बहुत सारा पैसा कमाकर जुआना को अपने पास ले आएगा, बिल्कुल बदल जाएगी उनकी ज़िंदगी। अब इसे सुनकर जुआना तो बहुत खुश हो जाती है। उसी दिन क्लिंट को डिवोर्स देना चाहती थी वो, मगर कोर्ट का प्लान कुछ और था। उसे क्लिंट के पैसे चाहिए थे, तो वो जुआना को एक बॉटल ऑफ पॉइजन देता है जिसे उसे क्लिंट को पिलाना होगा। इसे पीते ही किसी की भी मौत निश्चित है, ऑलमोस्ट टेस्टलेस है ये, तो खाते वक्त पता भी नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि तुरंत ही हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा वो। सिंपल। कोर्ट कितना ही बात को सिंप्लीफाई करने की कोशिश क्यों ना कर ले, था तो ये खून ही जिसके लिए जुआना तैयार नहीं थी। उल्टा वो कोर्ट से ही ब्रेकअप कर लेती है और फिर कभी उससे ना मिलने का प्रॉमिस भी करती है। मगर अपने जिंदगी में भी तो खुश नहीं थी वो, उसका वो क्या करे। घर आते ही बहुत कश्मकश में पड़ जाती है जुआना। एक बार तो उस बॉटल को डस्टबिन में फेंक भी देती है, लेकिन फिर मन बदल के उसे ही यूज करने का फैसला लेती है वो। एक ग्लास में वाइन भर के उसमें मिला देती है पूरा पॉइजन। अभी इसे सिर्फ क्लिंट को पिलाना होगा बस। मगर उससे पहले खुद क्लिंट आकर सब कुछ गड़बड़ कर देता है। वो उसके और जुआना दोनों का ही ग्लास साथ में उठा लेता है। इससे होता ये कि जुआना समझ ही नहीं पाती कौन से ग्लास में पॉइजन है। क्लिंट के फोर्स करने पर कहती है उसने पहले ही बहुत पी लिया है और पिएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे तबीयत तो उसके खराब हो ही रही थी सच में, मगर वो टेंशन के वजह से। लेकिन कुछ देर बाद जब अचानक ही बात करते करते क्लिंट को दौड़े पड़ने लगते हैं, जुआना समझ जाती है पॉइजन उसी के ग्लास में था। दर्द से चीखने लगता है क्लिंट, तड़पने लगता है, और जुआना कोने में खड़े सिर्फ देखती रहती है। जब क्लिंट उससे मदद मांगता है तो वो उल्टा उसे मरने के लिए कहती है, जिससे क्लिंट समझ जाता है सबके पीछे वो ही है। मगर क्या फायदा, समझने के बाद भी तो कुछ कर नहीं पाता वो, वहीं पर घुट घुट के दम तोड़ना पड़ता है उसे। फाइनली जब जुआना श्योर हो जाती है वो कोर्ट को कॉल कर देती है और बाकी सब कुछ वही संभाल लेता है। वैसे करने को ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि उन्हें पहले ही पता था डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखना है। सैम को भी खबर किया जाता है जो एक और डॉक्टर के साथ लेकर आते हैं, और मरते वक्त क्लिंट के सिम्टम्स सुनकर उन्हें भी लगता है उसकी मौत नेचुरल थी।
किसी को भनक तक नहीं लगती उनके पीठ पीछे कितना कुछ हो गया। हाँ, सैम ने एक बार देखा जरूर कोर्ट को जोआना से बात करते हुए, मगर वो तो उसका डॉक्टर है, इसीलिए उन्हें कुछ शक नहीं हुआ। उधर जोआना डिसाइड करती है कि वो क्लिंट के लिए एक बहुत ही चीप फ्यूनरल अरेंज करेगी। कोई एम्बामिंग नहीं, कोई वेक नहीं, फालतू तो उस पर और क्यों पैसा खर्च करना। उन्हें तो जितना जल्दी हो सके फ्यूनरल खत्म करना है, नहीं तो पैसे मिलने में देर जो हो जाएगी। अगले दिन जब यही बताने के लिए कोर्ट फ्यूनरल होम में कॉल करता है, तब क्लिंट का एम्बामिंग बस शुरू होने ही वाला था। उसके गले पे एक छोटा सा कट किया गया था बस। मना करने पर प्रोसेस को बीच रास्ते पे ही रोक दिया जाता है और क्लिंट को वैसे ही रख दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं करता। रात के अंधेरे में वो लाश कभी कभी हिल रही है, बहुत स्लाइटली। अब ये रिफ्लेक्स था या कुछ और, वो तो हमें कुछ देर बाद ही पता चलेगा। दूसरी तरफ पैसा कम मिलेगा जानकर फ्यूनरल होम के मालिक अपने वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं उनके पास जो सबसे खराब क्वालिटी का कॉफिन है उसे ही यूज करना है। अब उनके पास ऐसा एक ही था जिसे वाटर डैमेज के कारण फेंक दिया गया था। लेट तो उसका कम्प्लीटली फट चुका था, लेकिन अच्छे से वार्निश लगाने से वो सब ढक जाता है और क्लिंट को उसी में दफना दिया जाता है। फाइनली इतना सब करने के बाद जोआना आजाद हो पाई थी, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। वो कोर्ट को अपने घर बुला लेती है और फिर दोनों पार्टी करने लगते हैं। उस रात बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, जोर का तूफान चल रहा था। जोआना को याद तक नहीं रहता क्लिंट का डॉग बाहर भीग रहा है, मगर उसके चीखों से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी वो। एक्चुअली उसने कभी इस डॉग को पसंद नहीं किया, वो तो क्लिंट था जिसने हमेशा इसका ख्याल रखा। अब उसके जाने के बाद और इसे झेलने का कोई मतलब नहीं बनता, ये सोचकर जोआना हाथ में बंदूक उठा लेती है। शराब के नशे में चूर होकर उस बेजुबान जानवर को मारने जाती है वो। इनफैक्ट दो बार शूट भी करती है, बट लकीली एक भी गोली उस डॉग को नहीं लगती, उल्टा उसके केज का लॉक टूट जाता है जिससे वो भाग निकलता है। जा पहुंचता है ग्रेवयार्ड में और अपने मालिक के ग्रेव को ढूंढ कर बैठ जाता है। ठीक तभी एक मिरेकल विटनेस करता है वो। कॉफिन के अंदर क्लिंट जाग उठता है अचानक ही, ऐसे वो सो रहा था। एक्चुअली बारिश की वजह से ग्रेव की मिट्टी बिल्कुल सौगी हो चुकी थी और उसके बाहर से कॉफिन टूटने लगा था। उस टूटे हुए कॉफिन से जैसे ही पानी टपकना शुरू हुआ, क्लिंट की धड़कनें फिर से चलने लगी। मगर जागने के बाद खुद को ऐसे हालत में देखकर उसकी हालत और खराब हो गई। वो पैनिक करने लगा जिससे उसे फिर से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इधर तब तक कॉफिन पूरी तरीके से टूटकर उस पर ही गिरने लगा था। प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और स्पेस कम होती जा रही थी। ऐसे में क्लिंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था बैलेंस मेंटेन करना। फिर भी वो कोशिश करता है और अपने कमजोर शरीर को खींचकर धीरे धीरे बाहर निकाल लाता है। तब भी उसके शरीर के कुछ हिस्से ठीक से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। उसे अपने घर लौटना था, अपनी पत्नी के पास। शायद वो भूल चुका था उसे तड़पते देख उसके पत्नी ने क्या कहा था। मगर घर के पास पहुंचते ही रियलिटी उसे हिट करती है। उसे दिखाई देती है जोआना अपने डॉक्टर के साथ इंटीमेट हालत में, जिससे उसे समझ आ जाता है इन्हीं दोनों ने प्लान करके उसे मारने की कोशिश करी थी। फिर से उनके सामने जाना सही नहीं होगा। मगर सब कुछ देखकर क्लिंट इतना शॉक्ड हो गया था कि कई मिनट तक वही खड़ा रहता है। जोआना ही झलक उसे देख भी लेती है, मगर चेक करने पर उन्हें वहां वो डॉग दिखता है तो वो लोग और कुछ शक नहीं करते। वैसे भी क्लिंट मर के जिंदा हो जाएगा ये तो उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। उधर क्लिंट काफी देर तक घर के बाहर ही बैठा रहता है, सोचता रहता है उसे क्या करना चाहिए। जब कोर्ट घर जाने के लिए निकलता है, तब वो गैराज से अंदर जाने की कोशिश भी करता है, मगर उससे पहले ही शटर बंद हो चुका था। मजबूरन उसे बेसमेंट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसना पड़ता है, जिससे उसके दोनों हाथ जख्मी हो जाते हैं, खून बहने लगता है। दर्द से कुछ देर के लिए वहीं पर बेहोश हो जाता है क्लिंट, और जब उसका होश लौटता है तब तक सुबह हो चुकी थी। बहुत भूख लगी थी उसे, तो वो दबे पाव घर के अंदर जा पहुंचता है। सबसे पहले ढेर सारा पानी पीता है और उसके बाद फ्रिज में जो बॉइल्ड चिकन पड़ा था उसे ही खा लेता है। घर में तब जोआना नहीं थी, वो गए थे क्लिंट के लॉयर के पास उसके पैसे और प्रॉपर्टी का हिसाब लेने। उसे इस शहर में और नहीं रहना था, तो वो इस घर को बेचना चाहती थी, साथ में क्लिंट के बिजनेस को भी। वो लॉयर से कहती है अगर उसे $1.5 million कैश में मिल जाए, वो भी 48 घंटे के अंदर, तो उसे डील मंजूर है। क्लियरली
उसे अपनी जिंदगी में एक लेन का साया भी नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पैसे जरूर चाहिए थे। वो मिलते ही वो यहां से उड़न छू होने वाली थी। कुछ देर बाद उसे घर लौटते देख क्लिंट फिर से बेसमेंट में छुप जाता है और बंदूक में गोली भर के सही मौके का इंतजार करने लगता है। उसे मौका मिलता भी है, लेकिन ठीक तभी सैम आ जाते हैं जोआना की खबर लेने। वो एक घर बेच रही है, सुनकर उन्हें बहुत खराब लगता है क्योंकि सिर्फ वो ही जानते हैं इस घर को लेकर क्लिंट का कितना सपना था, कितने मेहनत से एक एक चीज को अपने हाथों से जोड़ के बनाया था उसने इस घर को। मगर जोआना को इस सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजर पड़ती है कुछ और चीज के ऊपर। वो देखती है फ्रिज का डोर खुला हुआ है, साथ में चिकन का रैपर भी, और तो और कल रात खिड़की पे जिसे देखकर उन्होंने डॉग समझा था वहां किसी के हैंडप्रिंट्स भी मौजूद है, किसी इंसान के। ये सब देखकर ऑब्वियसली जोआना बहुत टेंशन में पड़ जाती है और कोर्ट के आने पर उससे डिस्कस भी करती है। वो उसी वक्त शहर छोड़कर जाना चाहती थी, क्लिंट के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया था उसने, लेकिन कोर्ट उसे रोक लेता है। उन्हें पूरा पैसा चाहिए था, इसीलिए ही तो इतना कुछ किया उन लोगों ने। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था क्लिंट इसी घर में छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। उसने तो गन भी रेडी कर लिया था। मगर इसी बीच कुछ और बातें भी उसके कान तक पहुंचती हैं और वो स्टंट हो जाता है। उसे पता चलता है इन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब जोआना अपने अबॉर्शन करवाने इसके क्लिनिक में गई थी एक साल पहले। जबकि उसे पता था क्लिंट एक बच्चे के लिए कितना तरस रहा है, उसने उसे बताया भी नहीं, मार डाला। ये सुनकर क्लिंट ठान लेता है इसका बदला वो लेकर रहेगा। गोली से नहीं मारेगा उन्हें, इतना इजीली नहीं, बल्कि तड़प तड़प के मरना पड़ेगा उन्हें। मगर उसके लिए उसे पहले खुद को ठीक करना था, तो वो उस दिन बाकी का समय बेसमेंट में ही छुपा रहता है और रात होते ही चोरी छुपे ऊपर जाकर बाथरूम में जा पहुंचता है कपड़े चेंज करने के लिए, साथ में अपना फर्स्ट एड भी कर लेता है। जोआना को इस सब की भनक तक नहीं लगती, गहरी नींद में सो रही थी वो। अगली सुबह उसकी नींद टूटती है लॉयर की आवाज से। वो पैसे लेकर आ चुके थे, साथ में बायर भी थे। पूरे 1.5 मिलियन डॉलर कैश दिया जाता है जोआना को, जो उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। खुशी से नाचने लग जाती है वो, मगर जैसे ही बाथरूम में जा पहुंचती है वहां की हालत देखकर उसके सारे खुशी गायब हो जाती है। वो समझ जाती है यहाँ कोई तो आया था, मगर वो क्लाइंट था वो जोआना गेस नहीं कर पाती। किसी तरह अपने रूम में जाकर कोर्ट को कॉल करती है। वो फोन नहीं उठाता तो वॉइस मेल छोड़ती है और फिर एक स्टिक लेकर बाहर निकलती है चेक करने। नीचे उसे क्लाइंट का डॉग मिलता है जो उसे देखकर भौंकने लग जाता है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए जोआना फिर से एक बार उसे मारने की कोशिश करती है। मगर ठीक तभी क्लिंट एक मास्क पहनकर उसके सामने आ जाता है, तो जोआना डर जाती है, सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है वो, और वो गोली जाकर लगती है क्लिंट को। मगर उसे कुछ होता नहीं क्योंकि ये सब प्रीप्लांड था, उसने पहले ही क्वेश्चन लगा कर रखा था। वो बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है और जो खिड़की तोड़कर वो खुद बेसमेंट में घुसा था उसे भी सील कर देता है। उधर तब तक उस तरफ ग्रेवयार्ड के लोगों को पता चल चुका था कि इसने क्लिंट के ग्रेव से उसकी लाश चुरा ली है, मगर ये कोई क्यों करेगा वो उन्हें समझ नहीं आता। ऑफिसर सैम को भी ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, स्पेशली जब वो सुनते हैं जोआना ने सब कुछ बहुत चीप क्वालिटी ऑर्डर किया था, तो उनका शक और बढ़ जाता है, भला कोई पत्नी ऐसा क्यों करेगी। वो इस कॉफिन को डिटेल में चेक करने के लिए अपने घर ले जाते हैं और बहुत ध्यान से देखने के बाद उन्हें एहसास होता है इसे अंदर से तोड़ा गया था, बाहर से नहीं। इसका मतलब तो बहुत सिंपल था, लाश चोरी नहीं हुई बल्कि खुद कॉफिन तोड़कर बाहर निकली है, मगर इसे यकीन कौन करेगा। एट द सेम टाइम हम कोर्ट को देखते हैं हड़बड़ी में क्लिंट के घर की तरफ निकलते हुए, मगर उससे पहले सीरिंज में पॉइजन भरना नहीं भूलता वो, यही तो उसका आगे का रास्ता साफ करेगा। क्लिंट के सारे पैसों का मालिक बनेगा वो खुद अकेले। इतना एक्साइटेड था वो कि अपना फोन भी चेक नहीं करता, डायरेक्टली जा पहुंचता है क्लिंट के घर और जोआना की तरह वो भी जाल में फंस जाता है। क्लिंट उसे भी धोखे से बेसमेंट में लॉक कर देता है। वहां होता ये कि जोआना जो अभी तक बेहोश पड़ी थी उसे लगता है वो मास्क्ड मैन कोर्ट था, तो उसे पैसों के बैग के साथ नीचे आते देख जोआना एक लोहे के रॉड से मारकर उसे बेहोश कर देती है और फिर खुद भागती है ऊपर की तरफ। मगर क्लिंट ऑलरेडी खड़ा था वहां, जो दरवाजा फिर से लॉक कर देता है।
ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं और कोर्ट का भी होश लौट आता है। जोआना उसे सब कुछ समझाती है क्योंकि वो गिल्टी फील कर रही थी। उसे तो पता ही नहीं था ये आदमी एक्चुअल में उसे मारने ही आया था। वो तो उसके हाथ से वो सिरिंज कहीं गिर गया, नहीं तो अभी तक जोआना मर चुकी होती। सिचुएशन गड़बड़ देख कोर्ट अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लेता है और मिलकर ऊपर वाले से लड़ने की डिसाइड करता है। उन्हें बहुत आवाज आ रही थी ऊपर के फ्लोर से, कोई घर के फर्नीचर्स मूव कर रहा था, मगर ये आखिर था कौन? कोर्ट को लगता है ये जरूर सैम होगा, अपने दोस्त के मौत का बदला ले रहा होगा। क्लिंट की गन बेस में ही पड़ी थी तो कोर्ट उससे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर पता चलता है सारे बुलेट्स तो ब्लैंक है। उधर खिड़की का सील तोड़कर भी फायदा नहीं होता क्योंकि बाहर वो डॉग अपना दांत दिखा रहा था। कोर्ट और जोआना समझ चुके थे यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। 8 घंटे हो चुके थे यहाँ उन्हें कैद हुए। ऐसे में जोआना की नजर पड़ती है जमीन पर सिरिंज के ऊपर और वो कोर्ट का प्लान समझ जाती है। फोर्स करने पर कोर्ट भी सच बोल ही देता है कि उसका कभी कोई क्लिनिक का प्लान था ही नहीं। पैसे मिलते ही वो दूसरे देश में चला जाता और बैंक में पैसे रख के उसके इंटरेस्ट से पूरा लाइफ एंजॉय करता। इवन उसका फ्लाइट टिकट भी बुक हो चुका है। जोआना ये सब सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। कोर्ट उससे सिरिंज छीन कर उसे ही इंजेक्ट करने वाला ही था, मगर ठीक तभी ऊपर कोई दरवाजा खोल देता है। कोर्ट और जोआना को लगता है वो लोग सैम से डील कर रहे हैं, उसे मैनिपुलेट कर पाना ज्यादा टफ नहीं होगा। मगर दरवाजे से निकलते ही उन्हें एक अजीब नजारा दिखता है। घर में सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां डाइनिंग रूम था वहां कहीं से एक नया कमरा बन चुका था जिसमें चारों तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार थे, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। बेसमेंट में जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। चिल्लाने पर उनके आगे एक और रास्ता खुल जाता है जो उन्हें किसी मेज की तरफ ले जाता है, मगर वहां भी कोई वे आउट नहीं था। वहां बैठे बैठे दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को ही कोसते हैं। ऐसे में अचानक उनके बीच एक पैनल आ जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। इससे जोआना तो डर जाती है, मगर कोर्ट उल्टा खुश होता है। उसे लगता है सारा पैसा सैम को देने से वो जरूर उसे छोड़ देगा। लेकिन आगे बढ़ते ही उसे पता चल जाता है उसके सामने सैम नहीं खुद क्लिंट है। उसे देखकर कोर्ट इतना घबरा जाता है कि जमीन पर गिर जाता है और उसके पॉकेट में जो इंजेक्शन था वो उसी के पेट में घुस जाता है। क्लिंट को कुछ करना ही नहीं पड़ता, खुद ही अपनी जान ले लेता है वो। उधर जोआना के सामने और पीछे दोनों तरफ दोनों रास्ते एक साथ ओपन होता है। वो सामने जाने की डिसाइड करती है, मगर क्लिंट उसे डराकर दूसरे तरफ भेज देता है जहां एक क्रॉल स्पेस बना हुआ था। जोआना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी जगह और भी कम पड़ने लगी थी। फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जब आगे डेड एंड था और मुड़ने की जगह भी नहीं बची थी। क्लिंट ने एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया था जोआना को। ऐसे में जब जोआना डर से चिल्लाने लगती है तब फाइनली क्लिंट उसके सामने आता है, उसे इसके करतूत तो याद दिलाता है और फिर कोर्ट की लाश और पैसों से भरे ब्रीफकेस डाल के उसका बॉक्स सील कर देता है जिससे वो और कभी बाहर निकल ना पाए। फिर पूरे घर में आग लगा देता है क्लिंट। कुछ देर वहीं खड़े इंजॉय करता है और फिर अपने डॉग को साथ लेकर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। यह सैम था, उसे लगा था ऐसा ही कुछ होगा, मगर जब अगले दिन घर से किसी की भी लाश नहीं मिलती तब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मगर दूसरे पल उसे समझ आ जाता है क्लिंट का प्लान। वो भागता है ग्रेवयार्ड की तरफ और वहीं उसे मिलता है क्लिंट उसके ही ग्रेव के सामने। उसका काम तो पूरा हो चुका था तो वो शहर छोड़कर निकल जाता है। सैम भी उसे नहीं रोकता, उल्टा मना करता है यहाँ फिर कभी वापस आने से। मगर अभी सवाल ये था यह जोआना कहाँ गई। इसका जवाब भी हमें एंड सीन में मिल जाता है जहां हम देखते हैं जोआना को क्लिंट के ग्रेव के अंदर ढेर सारे पैसों के बीच छटपटाते हुए। जहां उसने कभी क्लिंट को दफनाने की कोशिश करी थी, क्लिंट ने उसे वहीं दफनाया है, वो भी जिंदा। कल रात घर से भागते वक्त उसके गाड़ी में जो बॉक्स था वो एक्चुअल में जोआना और कोर्ट की कॉफिन थी। क्लिंट ने खुद बनाया था अपने हाथों से अपने प्यारे पत्नी के लिए। अबे वहीं घुट घुट कर मरना पड़ेगा जोआना को। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा, ना कभी कोई इमेजिन कर पाएगा। द एंड।
दोस्तों ये फिल्म काफ़ी पुरानी है, 1990 की, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।